आज मसीह वंदना में। हेलो हेलो मसीह वंदना, आज दिन है शनिवार और वो भी जून महीने का पहला शनिवार, और हम हाजिर हैं हेलो मसीह वंदना के साथ। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों और भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष के छठे महीने में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर की सुरक्षा और उनकी कृपा के लिए हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो हेलो मसीह वंदना। आपके सामने एक ही शक्ल की दो चीजें पड़ी हो और कहा जाए कि इनमें से असली और नकली की पहचान करो, तो पहचान करने का नियम क्या है? आज हम इसी बात पर विचार करेंगे। जीवन है
जीवन है एक अनमोल वरदान, स्वर था बहन एलिजाबेथ का। तो गीत से पहले मैं बात कर रहा था असली और नकली की। इसकी पहचान का नियम यह है कि जब तक आप असली चीज की विषय नहीं जानते, तब तक आपको नकली होने का पता नहीं चलेगा। आजकल तो बैंक में नोट पहचानने वाली मशीनें लगी हैं, परंतु आज से लगभग 30 वर्ष पहले बैंक कर्मी के हाथ में नोट आते ही वो पहचान जाते थे कि नोट असली है या नकली। आजकल भी कुछ इसी तरह का वातावरण है। मीडिया में मसीही गीतों और प्रचार की भरमार लगी हुई है, पर इस भीड़ में हमें पहचानना है कि क्या ये सच में ही हमारी मसीही शिक्षा के अनुरूप है या नहीं। बड़ा कठिन काम है पहचानना, क्योंकि नकल इतने बढ़िया रूप में सामने आती है कि दोनों में पहचान कर पाना कठिन हो जाता है। परंतु यदि हम बाइबल और इसके वचनों से भली भांति परिचित हैं, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि जो चल रहा है क्या वो हमारी मसीह शिक्षा के अनुरूप है या नहीं। वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे को हजारों बच्चों में पहचान लेते हैं और किसी गैर के बच्चे को अपना नहीं कहते। दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, मन वचन और कर्म से सेवा अपने लीजिए। दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, मन वचन और कर्म से सेवा अपने लीजिए। दर्शन अपना दीजिए। से जीवन की जो जले, आंखें छू मेरी तुझको ही देखा करूं। जीवन के क्षण यूं न ढले, वचन से जीवन की जो जले, आंखें छू को ही देखा करूं। अपने रहस्य प्रभु मेरे पूछ पाए न रहतम के मार्गों में अपनी सामर्थ्य हाथों को मेरे तू गै। दर्शन अपना दीजे, हृदय को अपना कीजे, मन वचन और कर्म से सेवा अपने लीजे। दर्शन अपना दीजे।
तुझ में ही मैं जीवित रहूं, तेरे वचन में बढ़ता रहूं, आत्मा दे मुझे तेरी साक्षी दे सकूं। तुझ में ही मैं जीवित रहूं, तेरे वचन में पढ़ता रहूं, आत्मा दे मुझे तेरी साक्षी दे सकूं। जीवन से अपने प्रभु मेरे आत्माएं जीत सकूं, कामना है मेरी तेरी आज्ञा में जीवन से पूर्ति करो। दर्शन अपना लीजे, हृदय को अपना कीजे, मन वचन अकर्म से सेवा अपनी लीजे। दर्शन अपना। दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, ये स्वर था भाई फ्रांसिस का। पहचान के विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिताया था, झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कंटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। इसके बाद आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय तक अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राजा राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, प्रियो प्रत्येक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारा दर्पण है जो हमें अंदर बाहर चलना सिखाती है। इसे आत्मसात कर लें।
अंबर धरा के स्वामी सुन ले सदा हमारी, ये समूह गान था भाई अशोक सिंह और उनके साथियों के स्वर में। हमारे आजकल के आसपास की असल नुमा नकल की आंधी ने अपना राज फैला रखा है, परंतु प्रभु मसीह ने हमें अपने वचन के द्वारा पहले ही से सावधान कर रखा है। इसलिए सावधानी का जीवन जिए, मसीह शिक्षा के विपरीत बातों से परे रहे। वे बातें चाहे कितनी लुभावनी हो, अच्छी सुनाई देती हों, यदि वे परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती तो आपका उनसे कोई नाता नहीं है। प्रभु यीशु और उनके वचन के साथ लिपटे रहें तो बचे रहेंगे। अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखें। मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा। अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा, मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही
केवल सहारा है, हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। उसके वचन को सुन के पत्थर नहीं होना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है, बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा जी, मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, ये स्वर था भाई नथानिएल लाल का। और आज का सफर बस यहीं तक। यदि आप भी मसीह वंदना का कोई गीत, संदेश या नाटक सुनना चाहें तो आप हमारे स्टूडियो के फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9780727114 9780 72 71 14। और किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप फोन पर संपर्क कर सकते हैं 9319473370 9319473370। और हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। हेलो मसीहवंदना, मसीहवंदना का साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हर शनिवार को आपके लिए पेश किया जाता है। और अब अपने रेडियो व मीडिया साथी अनिल धालीवाल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीही वंदना।